और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने आज घर का खाना खाया। कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल को ये छूट दी गई है, छूट मिली है। इसके अलावा हफ्ते में दो बार परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को रोजाना घर वालों को एक नॉर्मल कॉल की भी परमिशन दी है। केजरीवाल रोजाना 5 मिनट की एक फोन कॉल घर वालों को कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यानी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कुछ छूट दी गई है। इस वक्त यह बड़ी खबर है, तिहाड़ जेल आज शिफ्ट किए गए हैं। बड़ी खबर है कि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने आज घर का खाना खाया। कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल को यह छूट दी गई है। इसके अलावा हफ्ते में दो बार परिवार वालों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को रोजाना घर वालों को एक नॉर्मल कॉल करने की भी परमिशन दी है। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमिर, इसको किस तरीके से देखा जाए, कोर्ट की तरफ से यह परमिशन है और जाहिर सी बात है कि परिवार वालों से बातचीत की परमिशन और घर का खाना खाने की? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खास तौर पे अपील की थी इस बात को लेकर के, क्योंकि वो हाई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और उनको शुगर की बड़ी समस्या है। उसको लेकर के उन्होंने अपील की थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको उनके घर का खाना जो है वो दिया जाए। तो आज जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको उनके घर का खाना दिया गया। और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट ने मानी हैं, जब तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जिसमें फ़ोन कॉल हो या फिर उनके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच के लिए जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल वो करेंगे उसके लिए भी इजाज़त मांगी गई थी, तो उसके लिए भी परमिशन मिल गई है। ये बताया गया है कि वो अपने तरीके से जांच कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की वो जांच करवा सकते हैं और साथ में जो खाना है वो घर का खा सकते हैं। इस तरह की तमाम जो उनकी तरफ से मांगे की दी गई थी वो मान ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब घर का खाना खा सकते हैं। और ख़ासतौर पर अपने परिवार के जनों को, जिसमें से 10 नाम में से 6 नाम जो है उन्होंने दिए, उनसे मुलाकात और फोन कॉल पे बातचीत जो है वीडियो कॉल के जरिए जो है वो कर सकेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है अरविंद केजरीवाल को दी गई, थोड़ी राहत कही जा सकती है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि घर का खाना भी खा सकते हैं और घर वालों से बातचीत भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे, शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रावज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजा गया, कैसे जेल से चलाएंगे केजरीवाल दिल्ली की सरकार, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले में शिकंजा, तिहाड़ जेल पहुंचे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़ गया सियासी बवाल। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क उठे। आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया। बैरक में केजरीवाल अकेले रहेंगे और उन पर अगले 15 दिन तक हर वक्त सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। केजरीवाल पहले ऐसे सीएम हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया, और केजरीवाल आजाद भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। सवाल है कि क्या जेल के अंदर से सरकार चलाई जा सकती है? तो कानून विशेषज्ञ और जेल मैनुअल कहता है कि दिल्ली जेल अधिनियम 2000 के तहत किसी भी इमारत या जगह को जेल घोषित किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत जेल के अंदर से सरकार के कामकाज की मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन इस प्रावधान को लागू करने का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा, तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं 16 जेलें हैं उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा, मैंने रूल्स आपको पहले बताई दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा।
तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। माना जा रहा है कि पेज यहीं फंस सकता है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच पहले से ही रिश्ते तल्ख हैं। उपराज्यपाल ने शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की थी, इसलिए केजरीवाल को उपराज्यपाल ये सुविधा दें इसकी संभावना कम ही लग रही है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी कोई भी हो, सुरक्षा सबसे अहम है, इसलिए केजरीवाल अगर सरकारी कामकाज करेंगे, कोई भी सरकारी दस्तावेज साइन करेंगे तो उसकी पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी और फिर सब जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में होगा। ऐसे में केजरीवाल के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। लगातार मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी तिहाड़ जेल से जो है वो अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन ये कैसे संभव होगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेशक अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं और तिहाड़ की इस जेल में रहेंगे, लेकिन जब 4:05 पर वो इस जेल के अंदर एंटर हुए हैं तो उसके बाद से वो इस तिहाड़ जेल के एक सामान्य कैदी बन गए। जेल से सरकार चलाने से भले ही केजरीवाल को कानून रोक नहीं सकता, लेकिन कोर्ट की मंजूरी के बगैर अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसे चुनौती मिल सकती है। बीजेपी लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जेल से ही सरकार चलाने पर अड़ी है। दोनों के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। पूछताछ मकसद नहीं था इसीलिए जेसी में जाने दिया, मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। फिलहाल अगले 15 दिन केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे और वहां से दिल्ली की सरकार चलाने का उनका इरादा है, लेकिन सवाल है कि क्या कोर्ट और उपराज्यपाल उन्हें ऐसा करने की मंजूरी देंगे। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।